Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये किधर से पैसा आया था, ये अरबों रुपए के महलात लेने के लिए, और पैसा बाहर कैसे गया? तो अभी तक उसने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं बताई। जो भी बताया वो झूठ निकला कि जनाब गल्फ स्टील में कोई 1980 में थी, जिसमें से पैसा निकला, नफा निकला, तो वो उससे ये अपार्टमेंट्स ली गई। तो जेआईटी में दुबई की गवर्नमेंट की जस्टिस डिपार्टमेंट कहती है कि वो गल्फ स्टील नुकसान में थी। उसके बाद कतरी ले आए सुप्रीम कोर्ट में, कतरी भी फ्रॉड निकला। और ये बता ही नहीं सकते, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो जो चार मेफेयर की फ्लैट्स हैं उनकी वो डीड जो कागज देते हैं कि जनाब इसके असल बेनिफिशरी ओनर कौन है, अभी तक सवा साल तक ये डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सके। वो क्यों नहीं दे सके? क्योंकि जब वो देंगे तो पता चलेगा कि मरियम सफदर असल में बेनिफिशरी ओनर है, जो कि पैनामा लीक्स में ICIJ की वेबसाइट पे आज भी है। ये क्यों नहीं मरियम सफदर का नाम, क्योंकि क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो उसमें मरियम सफदर लिखा हुआ है, हुसैन शरीफ नहीं है। तो अगर मरियम सफदर ने 1993 से 1996 तक ये चार अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स ली थी, इसका मतलब उसके पास तो पैसा था ही नहीं। इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा चोरी होकर बाहर गया था। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया। इन्होंने अभी तक यही नहीं बताया कि इनका बच्चा हसन नवाज शरीफ 600 करोड़ रुपए के घर में कैसे रहता है, किधर से पैसा आया, इनकी जो कंपनीज है 10-15 किधर से, उनकी कंपनीज में कैपिटल किधर गया? सुप्रीम कोर्ट में कहा कतरी शहजादे ने दिया, ये सारा पैसा कतरी शहजादे ने, जैसे ये अरबपति बन गए। मैं जरा वाजे करना चाहता हूँ, जो मुझे इससे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। पहली चीज, मैंने तो कभी गवर्नमेंट में रहा ही नहीं हूं। 84 में मैंने ये अपार्टमेंट खरीदा था, 1,60,00,000 का। सारी दुनिया जानती है मैं क्रिकेट खेलता था। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे से पूछा कि आप बताएं आपके पास पैसा किधर से आया वो अपार्टमेंट लेने का, मैंने इनको सबूत दिए। वो अपार्टमेंट थी 1,17,000 पाउंड की। 84 में मैंने जब ली, 1,17,000 पाउंड की वो अपार्टमेंट थी। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में 3,00,000 पाउंड की इनको डिटेल दी, जो मेरी क्रिकेट से अर्निंग थी तब की, 84 की मैं बता रहा हूँ। फिर इन्होंने मेरे से हमें कहा जी कि जनाब मनी ट्रेल जो आई मेरी बीवी के ज़रिए यहाँ, जमायमा के ज़रिए पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि जनाब मनी ट्रेल बताएं। ये ज़रा सुन ले, 6,50,000 डॉलर की मनी ट्रेल थी जो पाकिस्तान आया, उसमें से 5,50,000 डॉलर की मनी ट्रेल दे चुका हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में है, बैंक अकाउंट से, कि किस बैंक अकाउंट से कैसे आया पाकिस्तान पैसा। 1,00,000 जो मनी ट्रेल, जो 1,00,000 पे ये शक कर रहे हैं, वो भी जमायमा के बैंक से आया, सिर्फ उस पर नाम नहीं लिखा हुआ जमायमा खान, उसके ऊपर ये कह रहे हैं आया तो उसके बैंक से, चेक करवा लें वो। तो फिर आखिरी चीज सुप्रीम कोर्ट में मैं ये जो उन्होंने हमारे से पूछा, और मैं ये आपको यकीन दिलाऊं कि ये जो हनीफ एफरडीन अब्बासी की जो पिटिशन है, उससे ये आगे चीज़ें हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से चीज़ें तलब की हैं, और मैं ख़ुद अपने आप को इत्तसाब के लिए पेश किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ये सबूत बताएं कि आपने जब वो लंदन का फ्लैट बेचा 2003 में, तो आपके बैंक से पैसा, आपकी बैंक से ट्रेल बताएं। अब मेरे बैंक से ये भी बता दिया कि बैंक से जो पैसा निकला था 5,60,000 पाउंड, वो जमायमा के पास गया। अब वो जो मेरे से मांग, फिर उन्होंने कहा कि बताएं जी आपके तो अकाउंट से गया पैसा, क्या जमायमा के अकाउंट में आया, ये पूछा। अब ये सोचे कि मेरी तलाक हुई हुई है 14 साल से 13 साल से, और ये 2003 में 14 साल पहले ये ट्रांजैक्शन हुई, बैंक जिससे भेजा था वो बंद हो गया 6 साल पहले, तो मेरे पास किधर से मैं निकालता, वो भी बेचारी किधर से ढूंढती।
क्योंकि अल्लाह अल हक है, सच एक ही है। अल्लाह का करम यह है कि आज सुबह उसने मुझे वो भी ढूंढ के दे दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि 5.5 लाख 5,60,000 पाउंड मेरे बैंक से जमायमा में गया, वो बताएं कि उसके बैंक में आया नहीं। उसने आज वो भी देख ली, मुझे स्टेटमेंट भेज दी है कि उसके बैंक में 5,60,000 पाउंड गया था, वो भी आ गई आज। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो क्रिकेटर था, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था, मैंने सारी ट्रेल दे दी है 40 साल से शुरू करके और आज तक। ये जो आज जो जीटी रोड में मुझे क्यों निकाला, इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो बैंक बैलेंस 300 अरब रुपए के हैं, ये मैं 60 लाख की प्रॉपर्टी की सारी डिटेल दे रहा हूँ, इनके 300 अरब, 30,000 करोड़ रुपया एक चीज़ नहीं बता रहे किधर से आए। और अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि इस इतने बड़े मुजरिम को कौन बचा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला किया, इसको डिस्क्वालीफाई किया और नैब में इसको इसके केसेस सुनने थे, इनको कौन बचा रहा है? क्या नून लीग और खाकान अब्बासी की हुकूमत का ये काम रह गया कि इतने बड़े मुजरिम की चोरी छुपाए और अपने अपने अदालती निज़ाम को डिस्क्रेडिट करें और फिर एक इस तरह का कानून लेके आए जो आज असेंबली में पेश किया जा रहा है? कोई ये किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा कानून बनाया जाता है कि एक मुजरिम हो, डिस्क्वालीफाई हो जाए, इलेक्शन नहीं लड़ सके लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड रह सकता है? ये किसी जमहूरियत में किसी ने सुना है? जमहूरियत का तो नाम ही ट्रांसपेरेंसी होता है, जमहूरियत का तो मतलब ही होता है कि इंसान जवाबदेह होता है अवाम को, डिक्टेटरशिप में नहीं होता, बादशाह नहीं होता, जमहूरियत में आप जवाबदेह होते हैं अवाम के साथ। ना आप जवाब दे सके कि ये 300 अरब रुपया कैसे पाकिस्तान से निकाल के गए, कुछ बता भी नहीं सके। अदालत आपको मौका देती है, जेआईटी बनाती, वो भी नहीं आप कुछ कर सके। वहाँ कहते जेआईटी को कि जी हमें जवाब दे जेआईटी। उसके बाद जब आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं और नैब में बुलाती हैं, पहले आप कोशिश करते हैं कि कानून ऐसा बना दें कि वो एक मुजरिम सदर रह जाए पार्टी का। फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो आज हुआ ड्रामा नैब कोर्ट के बाहर, मुझे ये एहसन इकबाल बताए कि क्या इसको नहीं पता था कि एसएसपी इस्लामाबाद ने दरख्वास्त की थी कि हमें रेंजर्स की ज़रूरत है? क्या अदालतों ने उस दिन नहीं कहा कि जनाब यहाँ वज़ीर ना आया करें, क्योंकि नैब के अंदर जो रश था जब पहला मुजरे आज़म का जो पहला पेशी थी, उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ जगह कम है? तो ये आज जो एहसन इकबाल ने ड्रामा किया है, मैं इससे पूछता हूँ कि आपको जमहूरियत के स्पेलिंग भी आते हैं? आप एक इस मुल्क के इदारों को लड़ा रहे हैं, आप जान के फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी रेंजर मेरे पूछे बगैर कैसे आ गए, आप ये कह रहे हैं कि जी स्टेट विद इन स्टेट, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं आप, वही कह रहे हैं जो डॉन लीग्स का नैरेटिव है, जो ख्वाजा आसिफ ने जाके पाकिस्तान को जो जितना जलील करवाया, जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी एशिया सोसाइटी के सामने, अमेरिका सारी वो बातें कर गया, डू मोर भी कह गया कि हमें डू मोर भी करना है, जो हमारे दुश्मन कह रहे हैं बजाय उनको बताने के वो भी कह गया। और यही एहसन इकबाल आज भी ये जो स्टेटमेंट देता है कि स्टेट विद इन स्टेट, और वो ज़रूर अंग्रेज़ी में बोला था, आपने नोटिस भी किया होगा कि उर्दू में भी बता सकता था बेचारे को, अंग्रेज़ी में बताया ताकि बाहर सुने लोग के जनाब ये कितना बड़ा जमहूरियत का लम्बादार आया हुआ यहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिधर ये मुल्क को ले आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिवाय फ्रेश इलेक्शंस के और रास्ता ही नहीं है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक करप्ट ख़ानदान की चोरी बचाने के लिए ये इस मुल्क के इदारे तबाह करने के चक्कर में है, ये इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये अपनी फ़ौज के पीछे पड़े हुए हैं, कोई बड़ी जमहूरियत के लिए नहीं, जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। जमहूरियत के अंदर ऐसी हरकतें होती हैं कि आप मुजरिम को कानून पास कर दें, आप कानून बना रहे हैं एक मुजरिम के लिए। और फिर नैब के अंदर जो ड्राफ्ट लॉ लेके आए हैं, अभी नैब का जो ड्राफ्ट लॉ आ रहा है उसके अंदर सिर्फ कसर ये रह गई है, उसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज डाल दें कि जनाब अगर कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वजीर बन जाए, उसको इजाज़त दे देनी चाहिए करप्शन के लिए
अदालतें उसको हाथ ना लगाएं, वो आराम से 5 साल तक करप्शन करे और फिर जनाब इलेक्शन की तरफ जाए। ये तो ये उधर पहुंच गए हैं, ये तो मुजरिमों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मुल्क के इदारे और कानून तबाह कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिधर ये पाकिस्तान को ले आए हैं, ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये टकराव की तरफ जा रहे हैं और कोई बड़े मकसद के लिए नहीं, ये कोई पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए नहीं, ये करप्शन बचाने के लिए। रूलिंग एलीट जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं आपको वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक्स दिखा बता देता हूँ जो अभी 3-4 दिन पहले निकली थी, कि सिर्फ FBR के अंदर, सिर्फ FBR में जो नाहिली और चोरी है वो 3200 अरब रुपए की है, 3.2 ट्रिलियन रुपीज की है, 3200 अरब रुपए की सिर्फ FBR के अंदर चोरी और नाहली है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। करप्शन की वो जो पिछले थे नैब के हेड एडमिरल फसीउद्दीन फसी बुखारी, वो कह रहे हैं कि दिन की करप्शन 12 अरब है। तो ये कौन चोरी कर रहा है पैसा? ये ऊपर आके चोरी करते हैं, अब कानून बदल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, और इसको कह रहे हैं, अपनी चोरी बचाने को कह रहे हैं जमहूरियत को बचाना है। इसलिए मैं आखिर में फिर से ये कहूँगा कि और आज हम पूरी तरह असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ बाकी भी बुलाएंगे अपने साथ अपोजिशन पार्टीज़ को और रोकेंगे इस बिल को, जो कि इस मुल्क की सिर्फ ये नहीं कि चोरों की मदद करने आएगा, ये इस मुल्क की खलाकियत तबाह कर रहा है। कि आप मौका दे रहे हैं एक मुजरिम को पार्टी का हेड बनने के लिए, ये किसी जमहूरियत में होता है? तो हम आज भी रजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी पार्टी को कॉल दे रहा हूँ, अगर इन्होंने ये बुलडोज किया जो कोशिश करेंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और इंशाल्लाह मैं पब्लिक में जाऊंगा। मैं तैयार कर रहा हूँ, मैंने अभी से अपने प्लान कर लिए जल से, और मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमारी पार्टी को बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई है पब्लिक में निकलने की, हमारी बड़ी ज़बरदस्त धरनों की प्रैक्टिस है, स्ट्रीट मूवमेंट की प्रैक्टिस है। मैं तो अपनी कौम को तैयार करूँगा कि ये मुजरिम अगर समझते हैं कि आपको अदालत को भी नहीं मानते अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए, और आप अपने नैब को भी चेंज करना चाहते हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता रह गया है पब्लिक में जाने के अलावा? एक तो ये बता दें, 17 सेनेट में आया तो वहाँ पे अपोजिशन की बहुत बड़ी तादाद थी, वो कैसे पास कर लिया गया, और आपने अपने दो सीनेटर्स के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है, और आज क्या आप कौमी असम्बली में जाएंगे इस बिल के खिलाफ? देखिए जी, पहले तो जो लॉ पास हुआ इन्होंने बड़े तरीके से निकाला असेंबली से, पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया जिस तरह इन्होंने, हमने अब सारा आज वही डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने किस तरह निकाला नेशनल असेंबली से, और सेनेट के ऊपर हमारी तैयारी थी, हमारे दो सेनेटर्स की हमें बड़ा उनको खींचा है, और हमने उनको लास्ट वार्निंग दे चुके हैं कि आगे से हम उनको पार्टी से फारग कर देंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी भी अपोजिशन पार्टीज का जो जिस तरह हमें रोकना चाहिए था सेनेट में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमने नहीं रोका। देखिए अपोजिशन, देखिए सुन लें जी, सुन लें देखें जी, शाह महमूद मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारी पार्टी में नहीं पाकिस्तान के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, और इनको बनना चाहिए अपोजिशन लीडर। लेकिन हम अब सारी पार्टीज़ को कंसल्ट करेंगे और हम सारी पार्टी से बात करेंगे, हम मुशावरत से फैसला करेंगे कि अपोजिशन लीडर किसको बनना चाहिए, वो भी उनकी क्या राय लेती है, क्योंकि हमारे पास तो नंबर्स नहीं हैं, हम सबको साथ मिलाएंगे, और जब हम सारों को सबसे राय ले लेंगे कोई मुत्तफिका, जो सबको असल, हम अपोजिशन लीडर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि नैब का चेयरमैन का आर एस स्लॉट, और हमने सब ने देख लिया है कि ये जो कमर जमान है इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है नैब में, बजाय बड़े चोरों को बचाने पकड़ने के लिए ये उनको बचाने के लिए आया था, नवाज शरीफ को, इसहाक डार को, आसिफ जरदारी को, और हमें खदशा है कि ये फिर एक कमर जमान 2 ले आएंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर मुत्तफिका लेके आए, और फिर साथ मेरे ख्याल में हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, केयरटेकर गवर्नमेंट भी ये फिर अपनी दोनों ले आए तो ये और कोई नजम सेठ ही ले आएंगे। इसी हम चाहते हैं कि इन दो के ऊपर
एक न्यूट्रल अंपायर आए दोनों जगह। जी खान साहब, आज जो अदालत के बाहर देखें जी, हम तो ये उम्मीद रख रहे हैं कि नून लीग के अंदर भी जमीर वाले लोग बैठे होंगे जो दस्तवा सोचेंगे कि हम हाथ खड़ा करके एक मुजरिम को इजाजत दे देंगे। अच्छा ये सोचे ना कि अगर ये नवाज शरीफ को इजाजत दे देते हैं तो कोई कातिल अगले दिन आ जाएगा, वो उसको भी इजाजत दे दो, आपके हेड बन जाए पार्टी का। यानी ये तो आप एक मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए मुल्क तबाह कभी भी नहीं होता कि ऊंच नीच जाती है कौमों में, जर्मनी जापान तबाह हो गए वर्ल्ड वॉर में, लेकिन कौमें खड़ी हो जाती हैं जब तक कौमों के इदारे ठीक हों और कौम के अंदर एक अच्छे बुरे की तमीज़ हो। जब आप एक कौम की अखलाकियात ही तबाह कर रहे हैं एक मुजरिम को बचाने के लिए, तो क्या नून लीग के अंदर लोग सारे इसकी इसके साथ खड़े हैं? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर लोगों का ज़मीर जागेंगे और वो इसको अपोज करेंगे, क्योंकि आप दरवाजे खोल रहे हैं मुजरिमों को पार्टी के हेड्स बनने के लिए। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की जमहूरियत पे क्या कर सकते हैं आप? जी जी देखे अदालत ने, आप ये नवाज शरीफ का जो माउथ पीस है जियो और न्यूज, ये तो नवाज शरीफ के प्रोपेगेंडा सेल है ना, आप इनकी खबरें पढ़ लेंगे। जब वो नवाज शरीफ आखिरी दफ़ा मुजरिम आज़म जब पहली दफ़ा गया था नैब के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि रेंजर्स को बुलाए और मिनिस्टर्स ना आए, नैब कोर्ट ने कहा था ये। तो हम ये समझते हैं कि अगर रेंजर चले गए तो एहसन इकबाल को क्या मसला है इसमें? आपने जो लास्ट टाइम तमाशा देखा था जो हुआ है नैब कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है वो जज कहते हुए कि ये नैब का कोर्ट था, या आप जाके वहाँ प्रेशराइज कर रहे हैं नैब के जजेस को? तो ये तो आप इंसाफ को रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है ये। तो ऐसे एक बाल का काम था, उसको तो पहले रोकना चाहिए था। जी हां साहब, ट्रायल होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, ओपन ट्रायल होता है, हम रिपोर्ट करते हैं, कोई चीज अगर आपके वकील ठीक नहीं बताते हैं तो हम बाहर आकर बताते भी हैं कि इमरान खान साहब के वकील ये बताने का काम है। लेकिन मास्टर के ट्रायल में मीडिया को रेंजर्स ने बाहर निकाला, जमहूरियत की तरफ हमारा मीडिया जो काम कर रहा है उसमें लोगों को पता चल जाता है कि किधर पैसा चल रहा है और किधर आजाद मीडिया जमीर के साथ काम कर रहा है। वो लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, हमारा मीडिया आगे बढ़ रहा है। हमारी अदलिया ने पहली दफा फैसला दिया एक ताकतवर के खिलाफ, लोगों को उम्मीद आ रही है ये मुश्किल वक्त निकल जाए, पाकिस्तान का सुनहरा दौर इंशाल्लाह शुरू होगा। लेकिन मीडिया को जरूर आना चाहिए, इतनी बड़ी ट्रायल हो रही है इसको कवर करने के लिए मीडिया को बिल्कुल इजाजत देनी चाहिए। साहब आज जो अदालत के बाहर मुंजी के गुजरा ने जो बयान दिए और उनके सीनियर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से जो बयान आए, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो आज सूरत हाल पैदा हुई, आप क्या समझते हैं कि ये बात तो कहीं और भी जा रही है? देखिए जी ये तो वाजे है, मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन की तरफ जाएं। ये इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं? चलो मैं मानूँ ना कि इदारे कोई गलत काम कर रहे हैं, इस पहली दफ़ा लोग सारे खड़े हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ, लोग खड़े हैं पाकिस्तान की GIT के साथ, लोग आज खुश हैं कि पहली दफ़ा ताकतवर का एहतसाब हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं? ये मुजरिमों को बचाने के लिए पाकिस्तान के इदारों को लड़ा रहे हैं। मुझे पहले भी नज़र आ रहा था, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ ने आखिर में अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की फौज को अटैक करना, और वो उसने किया है। तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए ये मुझे खौफ है कि बढ़ता जाएगा, ये ज़्यादा प्रेशर डालते जाएंगे। हम इंशाल्लाह आवाम के पास जाएंगे, मैंने पूरा अपना प्लान कर लिया टूर्स का, आवाम को उठाऊंगा, तैयार करूंगा कि ये जो अब करने लगे हैं ये आवाम की खिदमत नहीं करने लगे जो जमहूरियत में करते हैं,
ये सिर्फ चोरों को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये माफिया है, ये कोई डेमोक्रेट्स नहीं है, ये क्लेप्टोक्रेट्स हैं, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत को कब्जा करके हमारी जमहूरियत को दबा के पैसा बना रहे हैं। कौन से मुझे बताएं कौन सा डेमोक्रेट है, कोई जरा मगरबी डेमोक्रेट बताएं जो बाहर उसके बच्चे इसके बच्चों के पास अरबों रुपया, इसहाक डार के बच्चों के पास अरबों रुपया, इनकी प्रॉपर्टीज अरबों की, इनकी बिजनेसेस अरबों की, ईद बनाने ये बाहर जाते हैं, इलाज करवाने ये बाहर जाते हैं और हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान पे, और ये कह रहे हैं जी जमहूरियत है। किस जमहूरियत में ऐसे होता है? और फिर जवाब आपसे मांगो कि जी बताइए अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से आई, कभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कभी नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, कभी असेंबली में, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तब होगी जब इंशाल्लाह ये नैब को प्रोसीड करें, इन सारों को जेलों में डालें जिन्होंने इस मुल्क के अंदर $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल। आज इन्होंने मुल्क को मकरूज कर दिया, आज तारीखी कर्जा चढ़ा दिया, इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी है क्योंकि इन्होंने कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए ये सारे अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं। टैक्सेस इतने लग गए हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई हैं, मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की। तो ये सिर्फ अपनी चोरी के लिए इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम खड़े होंगे इनके सामने, पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक को तैयार करूंगे, इनके साथ खड़े होंगे। महलात खरीदने के लिए पैसे कहां से आए और बाहर कैसे भिजवाए गए, शरीफ खानदान अब तक कोई चीज साबित नहीं कर सका। सिर्फ एक खानदान की चोरी को छुपाने के लिए इदारों और मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का। आज के